गाइस वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली यार ये हमारा ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है डे नंबर 5। और डे नंबर 4 के आपने लास्ट में तो देखा ही होगा कि अपने बेस के पास में एक बंदे ने बेस बनाया जो कि कंटिन्यूअस यार गैस स्टेशन लूट रहा है। एंड हमारे होते हुए कोई अपना गैस स्टेशन लूटे वो किसको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे गाइस हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे रेड टाइम ऑन होगा तो हम लोग उसका रेड बेस स्टार्ट कर देंगे। तो ओके गाइस लगभग 5:30 बज चुके हैं एंड आई थिंक यहाँ पे रेड टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। एंड मैंने यहाँ पे उस बंदे को 2-3 बार मारा एंड उसके बाद ये बाहर नहीं निकल रहा है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये बंदा डेफिनेटली ऑफलाइन जा चुका है। ओके ये देखो गाइस यहाँ पे बेड में लेटा हुआ है, बट मेरे पास कोई और ऑप्शंस है नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई यार अपने गैस स्टेशन के सामने रहे, क्योंकि गैस स्टेशन यार टोटली मेरा है एंड वो गैस स्टेशन मैं ही लूटूंगा। तो फिर क्या था यार मैं यहाँ पे देखने लगा एंड यहाँ पे बंदे के दोबारा से फुटस्टेप्स आए एंड आई थिंक यार ये बंदा जो है ना अभी ऑनलाइन आया। मैं सोच रहा था ये बंदा बाहर निकलेगा तो इसको मारने का ट्राई करूंगा, बट लेट्स सी देखते हैं बंदा आता है तो बाहर मारेंगे, नहीं तो देखते हैं क्या करना आगे। बाकी मेरा तो पूरा प्लान है भाई, इसको तो अपन लोग आज रेडी करेगा। तो मैंने यहाँ पे उजी निकाली और मैं जो है ना यहाँ पे वेट करने लगा, बंदे का बाहर आते ही जो है ना उसको बजाना है। तो यार काफी देर वेट करने के बाद ये बंदा बाहर नहीं निकला तो मेरे पास यार और कोई ऑप्शंस नहीं था इसको रेड मारने का। और हम लोगों ने यार यहाँ पे एक बार ही दोबारा चेकआउट करा तो मैं अब कंफर्म कर रहा था कि इसका कैबिनेट किधर है। मुझे एक बार ही लगा कि मे बी इसका कैबिनेट यहाँ पे हो सकता है, बट जब मैंने दूसरे बारी दूसरे साइड में चेकआउट करा तो मुझे कैबिनेट लगा इधर के साइड होगा। तो मैंने यहाँ पे बॉम्ब लगाए। ओके एक बॉम्ब और लगेगा। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोगों ने तोड़ा और ओके भाई कितनी सारी बातें सुना ली है एंड बंदा जो है ना कुछ देर बाद ऑफलाइन जा चुका था। मुझे लगे यार बंदे के पास डेफिनेटली काफी ज्यादा सामान होगा, बट ज्यादा सामान नहीं था तो कोई नहीं यार अभी इसका कैबिनेट ये रहा। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं उनमें देखता हूँ, कुछ नहीं है। अरे भाई लगभग मेरे को यहाँ पे से 2000 के करीब में आयरन मिला, 2000 के करीब में सल्फर मिला। तो यहाँ पे से जैसे मैं जा रहा था तो मेरे को गैस स्टेशन से फायर का शॉट आया। मैंने कहा चलो भाई एक बार हम लोग गैस स्टेशन देख के आते हैं, एक्चुअली में यार वहाँ पे क्या सही चल रहा है वो भी तो देखना है अपने को। मतलब अरे भाई यहाँ पे गैस स्टेशन लूट रहे हैं दो बंदे, भाई मेरे होते हुए मेरा गैस स्टेशन कैसे लूटोगे? और डिसमेंटल का टैक्स भी नहीं दिया है तुमने, तो हम लोग तुम्हें बजाएंगे। भाई जैसे मैंने उसके टीममेट को नॉक किया वो जो है ना अपना टीममेट को रिवाइव देने के लिए गया, बट यार गैस स्टेशन इज टोटली माइन एंड यहाँ पे कोई नहीं आ सकता अभी। तो भाई यहाँ पे मैंने उनका लूट जितना भी था वो लूटा, उसके बाद मैं अपने घर गया एंड जितना भी सामान था मैंने घर में रखा। फिर जो है ना हम लोगों ने डिसाइड करा यार उसका कैबिनेट बचा हुआ है तो कैबिनेट में भी हम लोग दो बम लगाते हैं एंड कैबिनेट को उड़ा देते हैं। बट कोई नहीं, चलो यार ऐसे करते हैं ना पहले कैबिनेट ही उड़ा के आते हैं उसका। तो गाइस यहाँ पे हम लोग दोबारा से यार इसके बेस के पास पहुंच चुके हैं एंड फटाफट से जो है ना इसके कैबिनेट में लगाते हैं बम। ओके दो बम लगा दिए मैंने, फूट गया। देखते हैं इसके जो बड़े वाले बॉक्सेस हैं ना उनसे क्या लूट गिरता है। तो वैसे इसके कैबिनेट से यार ज्यादा लूट तो नहीं गिरा, वैसे मेरे को 146 यार स्पीयर्स मिले जो कि काफी ज्यादा बढ़िया डील थी। तो ठीक हुआ यार हम लोगों ने इसका कैबिनेट में बॉम्ब लगा दिया, अगर कैबिनेट में बॉम्ब नहीं लगाते तो भाई अपने को 150 स्पेयर नहीं मिलते। तो उसके बाद मैंने घोड़े को निकाला एंड मैंने डिसाइड करा यार अभी जो है ना एक बेस अभी रिसेंटली एक कल बना था गैस स्टेशन के बगल में, काफी बड़ा बेस है। तो मैंने डिसाइड करा चलो यार क्यों ना हम लोग उसको भी रेड करना तो बनता ही है, बट यार वो दुमंजिला बेस है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है मे बी लूट उसके ऊपर वाले फ्लोर में लगता है मेरे को। तो यार मैं आया फटाफट से घोड़ा निकाला, थोड़ा सा अपना आपको हील अप करा एंड घोड़े की जो सेफ्टी लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा कम था तो मैंने उसको फूड वगैरह खिलाया एंड उसके बाद मैं निकला। एंड ये रहा देखो गाइस वो बेस जिसको मैं बोल रहा था यार किसी ने अपने गैस स्टेशन के बगल में बेस बनाया है, तो वहीं देख के आता हूँ। एंड आई थिंक इसका लूट जो है ना वो टोटली ऊपर है एंड मुझे क्या लगता है ऊपर जो डोर होगा ना स्टोन का ही है, तो हम लोग ऐसे करते हैं ना डोर टू डोर चलते हैं। चलो गाइस लेट्स गो। एंड नीचे तो कुछ नहीं है, अब मेरे को दो स्टोन के डोर तोड़ने पड़ेंगे, उसी के बाद जो है ना हम लोग आगे जाएंगे। और आज की वीडियो में जो है ना हम लोग वो भी करने वाले हैं, क्या बोलते हैं मैचा लेके जाएंगे ड्रॉप में। ओके यार यहाँ पे हम लोग पहुँचे एंड जैसे मैंने यहाँ पे देखा यार यहाँ पे तो आयरन का डोर है, तो मैंने कहा इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा,
अपने को जो है ना इसको छत से रेड करना पड़ेगा, बट छत से बाहर निकलने मेरे को डेफिनेटली लैडर भी चाहिए। तो मैंने कहा चलो यार फटाफट से अपने बेस में चलता हूँ, एक आधी लैडर पड़ी हुई है मेरे बेस में। तो सबसे पहले मैं जो है ना लैडर का रेसिपी लर्न करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं सीधा अपने बेस में लैडर का रेसिपी लर्न करके, और फिर दो चार लैडर बना के यहाँ पे आते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, एंड आई थिंक ये कौन है, मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर ही होगा अपना, बट अभी यार थोड़ा सा भी ट्रस्ट करना काफी ज्यादा भारी हो सकता है, कहीं मैं बाहर गया एंड मेरे को भर दिया। तो चलो यार एक बार ही मिल के आते हैं। अरे यार गलती से ऑटो कैनन ने बचा दिया, मैंने ऑटो कैनन ऑन इसलिए करा रहे था ना गाइस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेरे पीछे पीछे मेरे बेस के अंदर घुस जाता है, वो चीज गलत है। तो यहाँ पे यार मेरे को एक लैडर मिला, तो चलो यार फटाफट से हम लोग लैडर का रेसिपी ड्राफ्ट करते हैं, एंड उसके बाद जितना मेरे पास एक्स्ट्रा स्पीयर है ना मैं डालता हूँ यहाँ पे अपनी कैबिनेट में। यार वैसे मुझे ना सल्फर भी फार्म करना है, अभी मेरे पास बिल्कुल भी सल्फर नहीं है, लगभग 10-15 हज़ार के करीब सल्फर है। तो एक दिन मेरे को कम से कम 20-25 हज़ार के करीब में सल्फर फार्म करना पड़ेगा। एंड आई होप गाइस यहाँ पे अपना लैडर का रेसिपी तो ड्राफ्ट हो गया होगा, तो फटाफट से क्लेम करते हैं और लैडर बना के निकलते हैं उस बेस को पूरा रेड करने के लिए। देखता हूँ मेरे को अभी ना थोड़ा सा रोप चाहिए एंड वुड चाहिए, रोप कौन से बक्से में है। ओके सो यहाँ पे यार अपने को रोप्स वगैरह तो मिल चुकी है, बट मुझे जो है ना अभी वुड चाहिए। ओके वुड भी है यहाँ पे, बट अपने पास यार वुड स्टोन्स तो है, बट मेरे पास अभी सल्फर नहीं है, तो मेरे को एक दिन जो है ना सल्फर फार्म करना है। तो ठीक है यार मैं लगभग तीन लैडर बना लेता हूँ, तीन लैडर आई थिंक अपने के लिए सफिशियंट होगा। तो चलो यार अभी हम लोग चलते हैं बाहर एंड फटाफट से उस बेस को रेड मारने का ट्राई करते हैं, एंड देखना पड़ेगा यार मेरे को रैंप कहाँ पे बनाना है, एंड वहीं से जो है ना हम लोग जंप करके जाएंगे सीधा बेस के ऊपर छत में। लेट्स गो। तो फाइनली यार यहाँ पे हम लोग उस बेस के पास तो पहुंच चुके हैं, एंड ऐसे करता हूँ ना यहाँ पे लगाता हूँ रैंप। ओके यू कैन नॉट बिल्ड इन दिस एरिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हम लोग बिल्ड वगैरह कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे क्या लगता है अपने को ना यहाँ पे प्लेस करना होगा। ओके यहाँ पे भी हम लोग नहीं बिल्ड कर सकते, तो फिर ऐसे करते ना यहाँ, अबे भाई कहाँ पे बिल्ड करूँ मैं, यहाँ पे तो कहीं पे भी बिल्ड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मे बी इधर के साइड हो जाएगा रोड के साइड में ना, नहीं हो रहा है यहाँ पे भी भाई। ओके सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने बिल्ड कर दिया है, तो यहाँ पे से मैं बनाने वाला एक गजब सा रैंप, और उसके हेल्प से जो है ना हम लोग इस बेस की छत में चलेंगे। तो ठीक है गाइस आई थिंक मैं अपने घोड़े के हेल्प से इस बेस के ऊपर तो चले ही जाऊंगा, तो चलो यार फटाफट से घोड़ा लेके आते हैं। अबे घोड़े किधर गया, आ गया गाइस भागते हुए आ रहा है। तो चलो यार फटाफट से इसके ऊपर बैठते हैं एंड जंप लगाते हैं और करते हैं इसको रेड। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस बेस के छत में, एंड ऊपर से तो यार टोटली पूरे का पूरा स्टोन का है, एंड मुझे लगता है मेरे को 10 ऑयल ड्रम तो वेस्ट करने ही पड़ेंगे, बट ऑयल ड्रम मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगा ना कि मैं इजीली यहाँ पे से बाहर भी निकल पाऊँ। ऐसे करते हैं ना एकदम सेंटर में लगाते हैं, तो लगभग पाँच सीलिंग टूटेगी, है ना, एकदम सेंटर में लगाओगे ना तो 5 सीलिंग टूटता है, अगर वैसे 4 सीलिंग के बीच में लगाओगे तब 4 सीलिंग टूटता है, तो मैं 5 सीलिंग तोड़ने का प्लान है मेरा। ओ, अरे नहीं कम ही टूटा यार, चलो कोई नहीं गाइज फिर भी हम लोग यहाँ पे सब बाहर तो निकल ही जाएंगे। बट बंदे ने यार बेस का बड़े ही ओपी बना रखा है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से देखो सब चीज एक जगह में लगा के रखी हुई है। सबसे पहले तो मैं फर्नेस चेकआउट करता हूँ, अरे भाई फर्नेस से मेरे को काफी बढ़िया लूट मिला, तो उठा लिया मैंने फर्नेस का लूट, एंड अब मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, बंदा है बट मेरे को इसको थेफ्ट करने का ऑप्शंस नहीं आ रहा है, एंड यहाँ पे बॉक्सेस रखे हुए हैं। ओके ग्रीन कार्ड काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये बंदे ने गाइस अपना गैस स्टेशन दबा के लूटा है। ओके क्लॉथ हाइड रोप एंड नीडल वो उठा लिया मैंने, खाने का सामान है ये तो रहने दो।
बंदे ने बट यार बेस जो है ना एकदम मस्त तरीके से बना के रखा हुआ है। लगता है यार इसको अपने को हायर करना पड़ेगा अपना बेस सही करने के लिए। ट्राई करूंगा इसको अपने टीम में लेने का, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। बट अभी तो अपन लोग रेड मार रहे हैं तो इसका कैबिनेट भी उड़ा ही देते हैं। बट कैबिनेट उड़ाने से पहले मैं बाहर निकलने का रास्ता देख लेता हूँ। बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है वहां से निकल जाऊंगा। मैं एक बार ही चेकआउट कर रहा था लैडर वहां पे प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट हो गया था। तो ठीक है गाइस, यहां पे हम लोगों ने इसके कैबिनेट पर बम लगाया एंड फटाफट से कैबिनेट का सामान देखते हैं, बट ज्यादा सामान नहीं था। तो चलो यार फटाफट से यहां पे हम लोग निकलते हैं बाहर और चलते हैं उसके बाद सीधा अपने बेस में। घोड़ा आएगा यहां पे? नहीं आएगा, लगता है मेरे को नीचे ही कूदना होगा। तो चलो गाइस लेट्स गो। अबे आजा, ओके आ गया। तो गाइज यहाँ पे हम लोग उस वाले बेस को ये रेड मार के पहुंच चुके अपने बेस में। एंड जितना भी यार अपने पास सामान होगा ना वो हम लोग डालते हैं सारे का सारा बॉक्स में। एंड उसके बाद यार मेरा प्लान है क्यों ना आज हम लोग थोड़ा सा यार गैस स्टेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि यार इससे पहले मैं रूम वगैरह चेकआउट करके आया था तो मेरे को एक भी रूम पर्पल रूम नहीं मिला था। तो मैंने कहा यार पर्पल रूम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है इस सर्वर में, क्योंकि ये सर्वर जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा हॉट चल रहा है। तो मैंने कहा कोई नहीं यार हम लोग जो है ना पर्पल रूम वगैरह बाद में करेंगे, अभी हम लोग थोड़े से मज़े करते हैं। 3000 के करीब अपने पास स्टील है, स्टोन भी ठीक ठाक हो चुका है। तो चलो यहाँ पे गाइज अपना एक फ्रेंड आया था तो मैंने उनको बुलाया था क्योंकि उनके न्यू आईडी में मैचा है और अपने को थोड़ा सा ना मैचा चाहिए था, क्योंकि इस सर्वर में एक बंदा जो है ना मैचा यूज़ कर रहा है ड्रॉप में। तो मैंने कहा यार अब मज़ा आएगा, मैचा टू मैचा फाइट होगा। तो वो भाई यहाँ पे आ चुके हैं, तो यार मैंने उनको यहाँ पे टीम पे लिया एंड उनके साथ एक और भाई आए हैं अपने जो कॉल में थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और मैं यहाँ पे जो है ना एक वेंडिंग बना रहा हूँ अपने के लिए, क्योंकि मेरा प्लान था यार मेरे पास थोड़ा सा गन वगैरह है 4-5 गन। तो अगर हम लोग 2 गन 3500 सल्फर में बेच दें तो अपना यार गजब का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ठीक है यार ये भाई आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं जो है ना इनको एक एक्सपी कार्ड बाय करके देता हूँ, क्योंकि मैचा जो है ना लेवल 5 में बनता है एंड नॉर्मली लेवल अप करने में यार हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने उनको बुलाया तो एक्सपी कार्ड तो देना बनता ही है। क्या मैंने एक्सपी कार्ड दिया, मचेट दिया एंड उसके बाद जो है ना वो भाई तो निकल चुके थे लेवल अप करने के लिए और मैं भी जो है ना यहाँ पर से निकल गया था थोड़े से मज़े करने के लिए। तो वो भाई गए एंड मैं जो है ना गाइस यहाँ पर से चलते हैं थोड़ा सा बेस वगैरह रीड करके आते हैं। तो चलो यार अभी हम लोग घोड़े से निकल चुके हैं बेस वगैरह ढूंढने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा दूर जाने के बाद गाइस यहाँ पर अपने को लेक के पास में एक बेस दिखा और आई थिंक यार ये तो मुझे लगता है कोई रेड करके गया है, बट उससे भी आके एक और बेस है उसको रेड करते हैं। लेट्स गो। हाँ ये वाला बेस सही है आई थिंक, बट यार मैं जो है ना मचेट वगैरह लेके नहीं आया हूँ अपने साथ, तो मुझे जो लग रहा है ना अपने को देखना पड़ेगा। अरे बॉक्सेस तो है यार, 2 छोटे छोटे स्टोरेज बॉक्सेस, मैं भी ऑयल ड्रम लगा के देखता हूँ। 3-4 है कम से कम, बंदा भी लेटा हुआ है एंड इससे यार अपने को प्रॉफिट तो हो सकता है। तो चलो यार फटाफट से जो है ना हम लोग यहाँ पे लगाते हैं बम। तो चलो यार यहाँ पे हम लोगों ने बम वगैरह तो लगा लिया है एंड सबसे पहले तो इसका कैबिनेट चेकआउट करता हूँ। बट जिस हिसाब से कैबिनेट में लूट है ना मुझे नहीं लगता इसके बॉक्सेस में अपने को लूट वगैरह मिलेगा, नहीं है। बट कोई नहीं गाइस, थोड़ा सा अपने को कंपोनेंट्स वगैरह मिला वो सारे के सारे हम लोग उठा लेते हैं। एंड उसके बाद यार यहाँ पे से ये भाई लोग भी जस्ट लेवल अप करने के बाद ऑफलाइन जा चुके थे और मैं भी जो है ना यहाँ पे से निकला था थोड़ा सा एक ऊपर वाले एबंडेंट की तरफ। बट वहाँ पे यार अपने साथ बहुत गलत सीन होने वाला है, वो सीन क्या होगा वो अभी आपको पता चलेगा। तो मैंने एक बार ही डिसाइड करा चलो यार हम लोग ऊपर सेक्शन में चल के देखते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी सीक्रेट जगह टाइप में बना के रखी हुई थी तो मुझे लग रहा था मे बी उसके अंदर इसने लूट वगैरह रखा हो सकता है। तो हम लोगों ने तोड़ा एंड हम लोगों ने चेकआउट किया बट यहाँ पे कुछ नहीं था। तो फिर क्या था गाइस हम लोग यहाँ पे से निकले फटाफट से एंड इस बंदे को की रिपोर्ट यहाँ पे से क्लियर करते हैं। तो यार उसके बाद हम लोग यहाँ पे से गए एंड अपने को बेस वगैरह तो नहीं मिला था तो मैं अपने बेस गया, गाड़ी उठा के मैं यहाँ पे पहुँचा।
एंड यहाँ पे जो है ना कोई बंदा बेस वगैरह रेड कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है एक बारी मैं चेकआउट करके आता हूँ। वैसे मेरे पास चारों आइटम्स है, तो हम लोग इसको रेड कर देंगे अगर बंदा होगा तो अंदर। तो सबसे पहले तो गाड़ी का फ्यूल निकालूं, क्योंकि मैं गाड़ी का फ्यूल नहीं निकालता हूँ एंड बंदे जो है ना अपनी गाड़ी लेके भाग जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को यार बंदा तो दिखा, और भाई क्या है ये लोग तरीके से कैंप कर रहा था। तो यार यहाँ पे हम लोगों ने उसको उजी से भरा, बट इसका शॉटगन भी गिरा। भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, शॉटगन के साथ जो है ना बंदे कम से कम यार 100-150 बुलेट लेके चलते हैं, आई डोंट नो वाई। बट यार इसका कैबिनेट तो यहाँ पे मिल चुका है एंड मुझे ऐसे क्यों लग रहा है इसके अंदर जो है ना बॉक्सेस होंगे। तो एक बॉम्ब लगाता हूँ यहाँ पे। अरे बंदा घुस गया अपनी गाड़ी में, बंदा घुसा अपनी गाड़ी में। भाई यहाँ पे हमें को गाड़ी निकालनी है, इसको मारे किस तरीके से। पहले ऐसा भी डैमेज चले जाता था बट आजकल जो है ना गाइस उस तरीके से डैमेज नहीं जाता। तो मैंने यहाँ पे चेकआउट करा, भाई कुछ नहीं है, बंदा निकला बाहर, डेफिनेटली बंदे के पास फ्यूल है। हाँ बंदे के पास फ्यूल है। चलो ऐसे करता हूँ ना, एक फाउंडेशन प्लेस करता हूँ इसको मारने का। ओके यू कैन नॉट बिल्ड इन दिस एरिया, भाई गलत सीन हो गया मतलब अपने साथ। यहाँ पे हम लोग बिल्ड कर भी नहीं सकते एंड इसको मारे किस तरीके से। चलो ऐसे मारने का ट्राई करता हूँ, पहले मर जाता था। तो गाइस इस तरीके से मैंने इसको चक्कू से काफ़ी ज़्यादा हिट मारे, बट ये बंदा जो है ना इस तरीके से भी अब डैमेज नहीं आ रहा है। तो मैंने गाइस एक दिमाग लगाया मिंटोस खा के, वो क्या दिमाग था, तो मैंने कहा ये डेफिनेटली गाड़ी लेके भागेगा अपना। तो अपन लोग ऐसे करते हैं ना, गाड़ी में फ्यूल डालते हैं, ज़्यादा नहीं दो फ्यूल, गाड़ी थोड़ा सा आगे जाएगा जैसे फ्यूल ख़त्म होगा एंड डेफिनेटली बंदा उस जगह में रुकेगा जहाँ पे हम लोग फाउंडेशन वगैरह लगा सकते हैं, फिर फाउंडेशन लगा के बम से उड़ा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे दो फ्यूल डाला, देखो बंदा गाड़ी लेके जो है ना यहाँ पे सब भागने लगा। बंदे ने यहाँ पे गाड़ी रोका, मैंने कहा यार ये बंदे ने गाड़ी क्यों रोका, चल बेटे सही जा रहा है पीछे लेके चल। ओके गाइस यहाँ पे गाड़ी का हो चुका है फ्यूल नहीं यार। ओके तो गाइस यहाँ पे गाड़ी का हो चुका है फ्यूल खत्म एंड अब लगाता हूँ मैं एक फाउंडेशन और बूम बम इसको करते खत्म। अरे यार यहाँ पे फाउंडेशन नहीं लग पा रहा है। ओके तो यार यहाँ पे तो लग गया एंड अब मैं जो है ना एक ऑयल बम लगाता हूँ, लेट्स सी देखते निकलेगा बाहर ये। बेटे मर गया मर गया। ओके गाइस देखो जॉम्बीज भी मरा साथ के साथ ये भी मर गया। तो भाई तूने बहुत परेशान करा है मेरे को, कम से कम गाइस यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट वेस्ट किया। फिर मेरे को बाद में दिमाग में आया भाई इस तरीके से भी तो हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने फटाफट से यार यहाँ पे फ्यूल डाला और अभी जो है ना अपन लोग चलते हैं सीधा अपने बेस के तरफ। तो ठीक है गाइस चलो चलते हैं फटाफट से बेस में एंड उसके बाद यार यहाँ पे जो है ना अपना फ्रेंड जो लेवल अप करने गया था फाइनली यार वो भाई ने मैचअप वगैरह बना लिया है। तो उन्होंने बोला अभी जो है ना अपन लोग ऐसे करते हैं ना, सबसे पहले तो यहाँ पे मैचअप को अंदर डालने के लिए बेस वगैरह सही से बनाते हैं, क्योंकि यार लगभग भाई ने गैराज वगैरह बना लिया है। और भाई अब आएगा ना मज़ा गाइस, अपन लोग मैचअप लेके चलेंगे ड्रॉप में, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जो है ना अपन लोग बस अपग्रेड कर रहे हैं अपना गैराज को, जिसके अंदर हम लोग जो है ना मैचअप वगैरह रखेंगे। एंड ड्रॉप आने में लगभग 1-2 सेकंड बचे हुए हैं, बट यहाँ पे बंदूक की गाड़ी आई। मैंने कहा सबसे पहले तो उसको बजाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपस में फाइट कर रहे थे। मैंने कहा मेरे गैस स्टेशन में फाइट मेरे होते हुए कैसे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये बंदे को बजाया। अरे एक बंदा और था यहाँ पे, बट वो उठना बैठना करने लगा था। तो यार इस तरीके से मारना बढ़िया नहीं लगता है। तो अभी तो यहाँ पे ये बंदा भाग रहा था, इसको मारा मैंने एंड इसके पास भी कुछ खास था नहीं, मेरे को 6 पाइप मिले लगभग 60 स्पीयर का सामान। तो अभी सबसे पहले अपन लोग जो है ना उस बंदे को मारते हैं। भाई शॉटगन चलने लगी है। तो मैंने गाड़ी में फायर किया एंड जैसे गाड़ी जलने वाली थी ना वो बंदा निकला बाहर एंड नाच करने लग गया। तो बाद में जो है ना गाइस अपन लोगों ने नहीं मारा एंड वो भाई समझ ही गया था भैया इनका गैस स्टेशन है, तो इनको जो है ना मैं इनका सामान दे देता हूँ जो मैं गैस स्टेशन से लूटा था। तो फिर यार वो मैं समझ गया था, मैंने कहा छोड़ो यार क्या लेना छोड़ देते हैं, नहीं भाई रहने दे तू ही ले ले, नहीं चाहिए तेरे को ग्रीन कार्ड ले जा, ले तू फ्यूल भी ले जा और अपनी गाड़ी लेके जा।
तो ठीक है गाइज, यहाँ पे हमने उस बाइक को फ्यूल भी दिया, पर वो भाई जो है ना गाड़ी उठा के डाल चुका था सीधा अपने बेस में। उसके बाद यार यहाँ पे आया था गैस स्टेशन के पास ड्रॉप, और हम लोगों ने मैचा निकाला, और उसके बाद जो है ना हम लोग चल दिए थे ड्रॉप लूटने के लिए। तो लेट्स गो गाइस, अभी अपन ने टीममेट जो है ना मैचा निकालेगा और अपन लोग जो है ना चलते हैं, प्लीज टर्न ऑन वॉइस चैट, सीधा ड्रॉप लूट के आते हैं। अरे किधर गया, अभी नहीं निकाला। ओके भाई निकाल दिया। वो भाई भी जो है ना कंफ्यूज हो गया होगा, भाई ये क्या चीज है, ये दैत्य कहाँ से आया। तो चलो यार अभी हम लोग चलते हैं एंड मजा आएगा जरूर। तो अपने को जाना है गाइस सीधा गैस न्यूक्लियर। वैसे मैचा जो है ना गाड़ी से कम तेल खाता है भाई, ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया। एंड मेरे को एक चीज और पता चली यार, मैचा के अंदर बैठे हुए बंदों को जो है ना सिर्फ डैमेज कब आता है, जब मैचा ही आई थिंक रॉकेट मारता है या फिर नॉर्मल बजूका के साल से भी बंदे को डैमेज आता है। क्योंकि जब हम लोग सोशल सर्वर में खेल रहे थे ना, तो हम लोग एच ई वाले रॉकेट शैल मारते थे मैचा के ऊपर, बट मैचा के अंदर जो बैठा रहता था ना यार वो गिरता नहीं है। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं न्यूक्लियर में। तो गाइस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे तो अपने को एक बंदा दिखा एंड हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार इसको जो है ना अपन लोग मैचा से मारने का ट्राई करते हैं एंड बस अब मारते हैं इसको। भाई यहाँ पे गोलियाँ हम लोग दबा के इस बंदे के ऊपर चला रहे हैं, बट अब बंदे के घोड़े में जो है ना आई थिंक डैमेज ही नहीं आ रहा या फिर मेरे को शो नहीं हो रहा है। आई थिंक मेरे को शो नहीं हो रहा है, बट जो भाई गोली मारेंगे ना उसको तो शो होगा। वैसे ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है, मुझे पता है जैसे इसका फूड खत्म होगा डेफिनेटली यार उतरेगा तो ज़रूर। बट यहाँ पे जो है ना ये भाई ने बजूका गलत मारा, सीधा ज़मीन में मारा एंड डैमेज देखो अपने को कितना आया। ठीक हुआ यार हम लोग नॉक नहीं हुए, अगर नॉक हो जाते ना तो मज़े तो ये भाई के आ जाते। बट ये बंदा गाड़ी अपने घोड़े से उतरा एंड यहाँ पे देखो अब बचना इम्पॉसिबल है यार इस बंदे का। भाई मैचा से हम लोगों ने ये बंदे को मारा, फटाफट से लूट वगैरह उठाते हैं इसका, देखते हैं गिरेगा। आई थिंक गन जो है ना इसने सेफ में डाला हुआ था, हाँ गन जो है ना ये भाई ने सेफ में डाला हुआ था। तो चलो गाइस एंड अभी हम लोग फटाफट से पहुँचते हैं, और यहाँ पे जो है ना अपन लोगों ने बना दिया इसको पेड़। तो चलो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड ड्रॉप की फाइट हम लोग कल वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप गाइस आज का वीडियो आपको लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस हम आपसे एक और नए खतरनाक से वीडियो में, जिसमें आप लोगों को लिटरली यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। एंड बस यार अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए एंड डेफिनेटली हम लोग काफ़ी जल्दी नए नए एपिसोड्स वगैरह लाते रहेंगे। एंड अब तो मेरा प्लान ये है कि हम लोग जो है ना बहुत कम एपिसोड्स मिस करेंगे एंड ट्राई करूंगा कि रेगुलर वीडियोस वगैरह डालूं। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।